और अब मैं लगाऊंगी हल्का हल्का सा ब्लश पहन के। ये देखिए कैसी लग रही है आपको मेरी लाल लाल साड़ी, और कैसी साड़ी पहनी मैंने, मेरे को बहुत मुश्किल से साड़ी पहनना आया, मेरे को साड़ी पहनना। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, और मैं गले में नहीं डाली, गले में बस मंगलसूत्र ही अच्छा। हेलो गाइस, वेलकम टू लवली ब्लॉग। कैसे आप सब, आई होप आप लोग ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। तो आज पिछले वाले ही ब्लॉग की तरह आज फिर मेरे को वही लग रहा है कि आज मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैंने सोचा कि अपने पति देव को एक सरप्राइज दिया जाए। लास्ट क्या कहते हैं दो तीन वीडियो पिछले, आप हमारे दो तीन वीडियो पीछे जाएंगे देखेंगे, तो मैंने उनको दिया था सरप्राइज में प्रैंक। तो मैंने उनके साथ किया था भयंकर वाला प्रैंक, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। प्लीज़ और हमारे प्रैंक को देखिए, हमारे वीडियो को, और सपोर्ट कीजिए। वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रैंक किया था मैंने, बिल्कुल उन्हें नहीं बताया था। और आज मैं उनको सरप्राइज में ये देने वाली हूँ कि आज मैं उनके लिए कुछ खाना नहीं बनाने वाली, कुछ अच्छा स्पेशल नहीं बनाने वाली, जो कि मैं हमेशा उनके लिए कुछ स्पेशल बनाकर उनको सरप्राइज देती हूँ, ना ही मैं उनके लिए कुछ अच्छा वो कुछ भी और करने वाली हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ करने वाली हूँ अपना मेकअप। तो मैं आज बहुत अच्छे से मेकअप करके और साड़ी वाड़ी पहन के रेडी होंगी, और पतिदेव का रिएक्शन देखूंगी। बेसिकली मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था कि मतलब कि अच्छे से रेडी होने का, तैयार होने का, कहीं जाने का हो नहीं रहा है। तो और अभी बैंगलोर में इतना ज़्यादा धूप है ना कि कहीं निकलने का धूप देख कर ही मन करता है, छोड़ो पापा छोड़ो अभी कहीं नहीं जाना, अभी थोड़ा मौसम ठीक हो जाए फिर जाएंगे हम। तो फटाफट चलिए और मैं अपना करती हूँ मेकअप। उससे पहले मैं आप लोगों को अपना आज का मौसम दिखा देती हूँ। ये देखिए वहाँ पे क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी सी धूप है। और आजकल मैं बैंगलोर में देख रही हूँ कि कौए बहुत दिख रहे हैं मेरे को, एक वहाँ पे कौआ है, एक वहाँ पे है, वरना कबूतर के अलावा मेरे को कुछ दिखता नहीं था। और हमारे बैंगलोर में ये देखिए हर क्या कहते हैं 2 घंटे 1.5 घंटे पे ऐसे फाइटर जेट्स उड़ते रहते हैं, क्योंकि हमारे इधर जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर बहुत नज़दीक में ही आर्मी एयरफोर्स है। और नीचे देखिए फूल पूरे लदे हुए हैं। तो आप लोगों ने बैंगलोर के कौए भी देख लिए, यहाँ के कौए बहुत ज़्यादा काले होते हैं कौए हर जगह के काले होते हैं, बट यहाँ के कौए मेरे को ऐसा पता नहीं, बहुत दिनों बाद मैंने, शायद महीनों बाद मैंने कौए देखे हैं, तो इसलिए मेरे को कुछ ज़्यादा ही काले लग रहे हैं। और देखिए आपने एरोप्लेन भी क्या कहते हैं उसको, फाइटर जेट कहते हैं या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो चलिए फटाफट गेट रेडी विद मी वीडियो शूट करते हैं। मैं सोचा था कि मैं खुद ही ऐसी तैयार हो जाती हूँ और उनको सरप्राइज दूँ, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इतनी मेहनत करके तैयार हो रही हूँ तो क्यों ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आप लोग भी देख लीजिएगा मैं कौन कौन सा मेकअप यूज़ कर रही हूँ और कैसे मैं रेडी हो रही हूँ। तो चलिए फटाफट रेडी होते हैं गाइस। मेकअप में ये है मेरा मेकअप सेटर स्प्रे, ये मॉइस्चराइज़र, ये लिप बाम, ये लिपस्टिक, ये फाउंडेशन, और ये है लाइनर, मस्कारा, काजल, आई शेडो पैलेट, और ये है ब्लशर, कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये है छोटा सा मिरर कंघी। और मैं ये अपनी शादी वाला चूड़ा डालने वाली हूँ, मेरा मन कर रहा है डालने का क्योंकि मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये लाल लाल साड़ी, इस साड़ी में आपने मुझे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, आज फिर एक बार देख लीजिए फुल रेडी होते हुए। और इसी के अंदर है झुमके, सॉरी ब्लश, हाँ इसी के अंदर है झुमके, और ये झुमके मैं पहनने वाली हूँ। सो गाइस फटाफट रेडी होते हैं, और गर्मी बहुत हो रही है और आवाज़ क्लियर नहीं आएगा, इसलिए मैंने पंखा भी बंद कर रखा है। और पूरा मेकअप कर लूँगी, उसके बाद में क्या कहते हैं कपड़े चेंज करूँगी, साड़ी पहनूँगी। तो सबसे पहले मैंने फेस वॉश पहले ही कर लिया था, तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेकअप लगाने से पहले मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरे पास प्राइमर नहीं है, और मैं कहीं बाहर जा भी नहीं रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करूँ, इसीलिए क्या कहते हैं मैं बहुत लाइट सा मेकअप कर रही हूँ। साड़ी लाल है ऐसी, तो वो लाइट मेकअप में भी क्या कहते हैं चांद चांद लगा देगी हमारे क्या कहते हैं चेहरे पे। तो ये लगा लिया मैंने मॉइस्चराइजर अच्छे से, और मैं सिर्फ और सिर्फ फेस पे मेकअप करने वाली, नेक पे नहीं करने वाली, क्योंकि फिर वो हैवी हैवी सा लगने लगता है। कहीं बाहर जाना होता है किसी पार्टी फंक्शन में तो आप प्रॉपर अच्छे से मेकअप करते हैं। और मैंने, और ये देखिए मेरा टैटू जो मैंने क्या कहते हैं पतिदेव के बर्थडे पे उनके नाम का एम लिखवा के टैटू बना के उनको सरप्राइज दिया था, देखो बहुत ज़्यादा देख कर खुश हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। तो अब मेरे को टैटू भी ये वाला अच्छा लगने लगा, वैसे मेरे को टैटू अच्छा लगता नहीं था, बट ये टैटू मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पतिदेव के नाम का है। और मैं थोड़ा सा लूँगी बस इतना सा लूँगी मैं फाउंडेशन,
क्योंकि ये फाउंडेशन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये इतने से में पूरा फेस अच्छे से कवर कर देता है। तो ये लगा लिया मैंने फाउंडेशन, और आप लोग फाउंडेशन के बाद मेरा चेहरा देख ही रहे हैं, थोड़ा सा ग्लो कर रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा इतना सा प्राइमर भी मिला हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके बाद मैं क्या लगाऊँ, हाँ पहले मैं लगा लेती हूँ कॉम्पैक्ट, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी बाकी सारी चीज़ें। ये हो गया मेरा कंप्लीट। उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा आई मेकअप, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा छोटू वाला मिरर। तो ये मैं कल बहुत छोटा सा आई शेडो पैलेट है, मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं, इसीलिए क्या कहते हैं कहीं जाना नहीं होता और कोई शादी फंक्शन पार्टी हो तो समझ में भी आता है, बट मेरे को ज़्यादा मैं ट्रैवल करती हूँ कहीं वन डे ट्रिप या लॉन्ग ट्रिप, तो ट्रिप में क्या कहते हैं मेकअप मुझे करना उतना अच्छा लगता नहीं है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले लिपस्टिक से थोड़ा सा इसको हल्का सा हाईलाइट कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी। बेसिक सा मेकअप, और अब मैं लगाऊंगी हल्का हल्का सा ब्लश, उसके बाद मैं लगाऊंगी काजल, फिर लाइनर, और ये लिपस्टिक से ही मैं लगा लेती हूँ क्योंकि लिपस्टिक से बहुत अच्छा हो जाता है, मेरे को अच्छा भी लगता है। ये हो गया, और अब इसके ऊपर लगेगा हाइलाइटर, जो कि मेरा सबसे फेवरेट मेकअप में मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न होता है हाइलाइटर लगाना, क्योंकि ये अलग से शाइन कर देता है और बालों को ऐसे चमका देता है ना, मज़ा आ जाता है। आईलाइनर, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी मस्कारा, ये हो गया मेरा लाइनर, फटाफट सूख जाए। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग बताइएगा कि अपने पति देव को खुश करने के लिए कभी कभी ऐसे छोटे मोटे स्टेप्स ले लेने चाहिए कि वो ऑफिस से आए और उनको उनकी वाइफ सजी धजी मिले, अलग से सरप्राइज मिले। ऑफिस से कौन खुश होके आता है, हर कोई परेशान होकर टेंशन में ही आता है। आप लोग भी ऐसे छोटी मोटी कोशिश करते रहिएगा ताकि आपके हस्बैंड्स को अच्छा लगे और वो खुश हो जाए करें, एटलीस्ट देखकर उनके फेस पे जो ऑफिस से तुरंत आएंगे और उनके फेस पे वो एकदम से स्माइल आ जाएगी, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है किसी भी वाइफ के लिए, कि छोटी छोटी सी कोशिश करके पतिदेव को खुश किया जाए। उनका अगर ख़राब मूड भी हो ऑफिस से आए तो देखकर खुश हो जाए, वो अपना ऑफिस का जो भी टेंशन वाला मूड हो वो ख़त्म, वो भूल जाए और उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए दूसरी चीज़ों पे। उन्होंने मेरा यहाँ पे लग गया रेड लिपस्टिक, अच्छा लगेगा। तो आज मैं लगाऊंगी लिक्विड बिंदी, जो कि सिंदूर से लगाते हैं, सोच रही हूँ लिक्विड बिंदी लगाऊं अच्छा सा शेप देके। वाओ परफेक्ट, पहले एक ही बारी में लग गया परफेक्ट गोल। तैयार हो जाती हूँ मैं साड़ी भी पहन के, वैसे आज मैं फर्स्ट टाइम अपना गेट रेडी ही शूट करूँ, वरना आज तक मैंने कभी भी, अब मैं रेडी हुई हूँ तो मैंने कभी भी शूट नहीं किया, बस मैं फटाफट रेडी होने के चक्कर में रहती हूँ। आज मेरे को बस लगा कि मैं रेडी हो रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे रेडी होती हूँ। और ये पहन लिया मैंने इयर रिंग, बाल खोलूं,
सेट करने वाला स्प्रे इसलिए लगाया जाता है ताकि ये मेकअप में और ज़्यादा ग्लो ला देता है, ऊपर से लॉन्ग लास्टिंग कर देता है, बहुत ज़्यादा देर तक आपके मेकअप को रखता है, वो जो मेकअप वाइट वाइट सा हो जाता है या की जैसा मेकअप हो जाता है वैसा नहीं होता है, ये मेकअप को बहुत अच्छे से सेट करके रखता है। फटाफट साड़ी पहनते हैं और साड़ी पहन के आपको फाइनल लुक दिखा, साड़ी पहन के ये देखिए कैसी लग रही है आपको मेरी लाल लाल साड़ी, और कैसी साड़ी पहनी मैंने, मेरे को बहुत मुश्किल से साड़ी पहनना आया, मेरे को साड़ी पहनना आता नहीं था, बट अब साड़ी पहनते पहनते मैं साड़ी पहनने में प्रो हो चुकी हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से साड़ी पहन सकती हूँ और पहना भी सकती हूँ। और अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने साड़ी पहनना कैसे सीखा, कहाँ सीखा, किससे सीखा, क्योंकि शादी से पहले कोई भी लड़की को साड़ी पहनना आता नहीं है, और शादी के बाद वो किससे सीखती है, कैसे सीखती है, तो वो आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें ट्विस्ट है, राज है कि मुझे साड़ी पहनना किसने सिखाया, क्योंकि मुझे 1% या 0.0% भी साड़ी पहनना नहीं आता था, बट मुझे बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से बहुत स्पेशल मेरी ज़िंदगी के सबसे खास और सबसे स्पेशल वो इंसान है जिसने मुझे साड़ी पहनना सिखाया, जिसके बारे में शायद मेरी बहन को पता होगा, मेरी मम्मी को पता होगा और किसी को नहीं पता, मेरे को और मेरी मम्मी और मेरी बहन इन तीनों के अलावा, मतलब हम तीनों के अलावा किसी को भी नहीं पता कि मुझे साड़ी पहनना किसने सिखाया, और मेरे ससुराल में तो किसी को पता ही नहीं है कि क्या कहते हैं मुझे साड़ी पहनना, सबको यही लगता है कि इसको साड़ी पहनना आता था पहले से, साड़ी पहनना आता था, तो किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कोई मुझे आके साड़ी पहनाए या मैंने किसी से हेल्प किसी को बोला कि प्लीज़ मुझे साड़ी पहना दो, क्योंकि वो एक खास इंसान था जिसने मेरे को फटाफट मस्त साड़ी पहनना सिखाया मेरे को, और कुछ दिनों तक मस्त साड़ी बांधी उन्होंने मेरे को। तो अगर आप लोगों को जानना है कि वो इंसान कौन है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं उस इंसान को आपके सामने लेकर आऊँगी जिन्होंने मुझे साड़ी पहनना सिखाया है और जिनकी वजह से आज मैं इसी अच्छी साड़ी पहन रही हूँ। अब फटाफट क्या कहते हैं, मेकअप हो गया, साड़ी हो गया, अब फटाफट क्या कहते हैं, कंघी करते हैं, बाल बनाते हैं, तो साड़ी को ऐसे करते हैं और कमर में ऐसे बांध के फटाफट सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, और मैं गले में नहीं डाली, गले में बस मंगलसूत्र ही अच्छा लग रहा है, तो कैसी लग रही मैं आप लोगों को प्लीज़ बताइए, और पतिदेव जी आएंगे। ओह मैं चूड़ी तो पहनना भूल गई, सॉरी बहुत बड़ी चीज़ पहनना भूल गई है, ये है मेरी शादी का चूड़ा जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और हर लड़की के लिए होगा, तो मैं पूरा तो नहीं डालूँगी, थोड़ा डालूँगी। तो ये हो गया मेरा 16 सिंगार पूरा। सो गाइस अभी पति देव को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि कब तक आएंगे वो, कब तक आओगे? हाँ हेलो, आवाज आ रही है? कब तक आओगे? कितना टाइम लगेगा निकलने में? देव आ गए हैं। हाय, हेलो, कैसे हो आप? हाँ, अचानक से कैमरा क्यों? वाह, इधर आओ, आपको दिख नहीं रही हूँ मैं। वाह, अच्छा लग रही है हकीकत में। कितनी अच्छी, अच्छा लग रहा है। आपको कुछ नहीं मतलब कि आप ऑफिस से आए और आपकी डिश सारी सारी चीज खुशी कर पाने ऐसे मैं सोचा कि थोड़ा आपको तैयार तैयार होकर आपको सरप्राइज दे दूँ। थैंक यू सो मच। मेरे को ये बात कैसे करके आए हो? शैम्पू बनाओ मालेंगे नहीं, अभी आ रहे थे, हवा चल रहा था ना। आपको पहचान कर सकती है मैं जैसे ऑफिस से आता हूं, मैं कैमरा लेके पहचान नहीं करूं। मैं घर गुस्से भाई था, बैग रखने मिला नहीं, चालू हो गई थोड़ा सी गर्म। हां क्या लगता है आपको कि मैं बहुत बुरी वाइफ हूं? बुरी आते के साथ ही मैं कैमरा लेके खड़ी हो जाती हूं। बुरी वाइफ इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि अटेंशन सीकर। तो मैं रेडी किस लिए हो रही हूँ? दीवारों के लिए तो नहीं, पेड़ पौधों के लिए नहीं, आपकी की आपकी क्या टेंशन पानी के लिए? तो मैं बैग रख लूँ इस बात पे, तारीफ तो मैं करी थी, अच्छे लग रहा है सारे चांस क्यों पर नहीं। ऐसे मैंने सोचा कि आपको इस तरह सज धज के आपको रेडी होकर तैयार होकर दिखाऊं, बहुत दिनों से आपने मुझे रेडी होकर नहीं देखा था ना। वाह क्या बात है, मतलब बहुत महीनों से नहीं देखा था ना आपने मुझे। अब रख दो बैग आराम से प्यार से, उसके बाद फिर आप मेरी भर भर के तारीफ करो। थोड़ा
थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, बैठ जाना यहाँ पे टेबल पे, मैं हाथ दुख गया, और रिलैक्स होने दो फिर तारीफ करते हैं। वैसे बहुत अच्छी लग रही है हकीकत में, हेयर स्टाइल भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये सरप्राइज? इसे थोड़ा पतली लग रही है। ना वो ही पतली, आपको ही मोटी लगती हूँ मैं, हद हो गई। मैं हूँ ही पतली। नहीं पतली तो नहीं, बट साड़ी में पतली लग रही है। नहीं मैं हूँ गाइस पतली, मैं नॉर्मली मोटी लगती है, साड़ी में पतली लग रही है। मुझे लगा आप ऐसा कुछ रिएक्शन दोगे, आपको कैमरा लेके क्यों आ गया, ऐसा कौन रिएक्शन देता भाई? अरे तो मेंटली मेरे को लगा कि प्रिपेयर नहीं, तो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता इंसान, सरप्राइज उसी को देता है जिसको उम्मीद ना हो, और उसको उम्मीद से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, जो भी है। ठीक है देवा, फिर से रिएक्शन दो। अच्छा तो होली बाद में खेलोगे ऑफिस में? होली ऑफिस में क्यों खेलेगा? ठीक है, चीज हानि हो सकती है ना। So guys, आज का व्लॉग देखते हैं यहीं। आप लोगों ने इनका हो वाला रिएक्शन देख लिया। तो क्या करें, मैं पहले नॉर्मल बोला, नहीं रिएक्ट करो, उसको चाहिए ओवर एक्टिंग। मैं बोला ठीक है लो भाई, ओवर एक्टिंग से भरे। तब तक के लिए बाय, आप लोगों के ख्याल रखना, प्यार करो, और हमारे वीडियो को बढ़िया से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने पति के लिए भी ऐसे ही तैयार होके, और वो अगर रिएक्ट ना करे तो उनसे जबरदस्ती रिएक्ट करवाए। बाय।